दुनिया के सबसे महंगे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी बीमारी होता है उसका इलाज दवाओं से होता है, लेकिन कई बार जो है दवाओं का जो कीमत होता है इतना महंगा होता है कि आम जो आदमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। अगर कोई बीमारी बहुत ज़्यादा दुर्लभ है और बहुत कम लोगों को होता है, तो वैसे स्थिति में उसका इलाज भी जो है बहुत जटिल होता है। एक ऐसा बीमारी है जो कि बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को होता है, ठीक है, लेकिन जो उसका इलाज है और उसका जो दवा है उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उसका दाम आप सुनेंगे तो आपका दिमाग जो है ख़राब हो जाएगा। लगभग जो है 18 करोड़ का वो जो है मेडिसिन आता है उस बीमारी के लिए। लेकिन खुशी का बात ये है कि केवल एक डोज से जो है वो बीमारी जो है आपका ठीक हो जाता है। इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और इस दवा को का नाम है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा दवा है, इसका नाम है जोल जेंसमा। और इस दवा का इस्तेमाल करने का जो है इंग्लैंड में जो है परमिशन मिला हुआ है, और अमेरिका में भी जो इसका परमिशन मिला हुआ है। इंग्लैंड में लगभग हर साल जो है 80 बच्चे जो हैं, ये जो बीमारी है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के साथ जो है लगभग 80 बच्चे पैदा होते हैं, और सिर्फ इस दवा का एक डोज से उसको जो है ठीक किया जा सकता है। तो ये जो बीमारी होता है दोस्तों, इसमें कोई बच्चा को अगर ये हो गया है तो उसके रीढ़ के हड्डी में जो है लकवा संबंधित जो है समस्या उसमें हो सकता है, और यह प्रॉब्लम जो होता है शरीर में एक जीन की कमी के चलते होता है। तो ये जीन जो होता है, जिसकी कमी है शरीर में बच्चों में, इसका जो कमी का जो पूर्ति किया जाता है वो इस दवा से किया जाता है, जिसका एक डोज ही काफ़ी है। आप इसका एक डोज लगाते हो तो बच्चे का जो जीन है उसको वापस जो है वो रिस्टोर कर देता है, और नर्वस सिस्टम जो है बच्चा का उसको वो ठीक कर देता है, जिसके कारण से स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित जो लकवा है बच्चों में, ठीक है, उसका जो है अटैक जो है बच्चों के ऊपर में जो है नहीं हो पाता है। ये जो दवा है जोल जेंसमा, इसको जो है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध दवा कंपनी जो है नोवार्टिस ने इसको बनाया है। अगर किसी बच्चे में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का ये बीमारी हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है 3 साल तक जिंदा रह सकता है, और ऐसे स्थिति में उसको जो है लकवा का प्रॉब्लम हो सकता है, मांसपेशियों में जो है शक्ति नहीं होती है काम करने का, शरीर में जो है ताकत नहीं रहता है, ऐसा लक्षण वहाँ पर आपको दिखाई देता है। और स्टडी में ये बात सामने आई है कि ये जो मेडिसिन है उसका केवल एक इंजेक्शन से जो है बच्चे का यह प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाता है। इस दवा में SMN1 नामक जो है जींस की प्रतिकृति होती है, जो शरीर में नर्वस सिस्टम में जाकर जो जींस लापता है उसका जगह ले लेता है। इसके बाद शरीर में विशेष प्रकार के प्रोटीन का जो है रिसाव करता है, जिससे बच्चा जो है अपने मांसपेशियों का नियंत्रण कर सकता है और नर्वस सिस्टम जो है उसको ठीक करता है। दवा है ऑलरेडी, इसका 7 से 12 महीने तक के उम्र के वाले जो बच्चे होते हैं उस पर इस पर ट्रायल किया गया है, और बाजार में लाने से पहले जो है अमेरिका और यूरोप में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं और वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको खुद से जो है जांच किया है। भी हमारे भारत में भी जो है एक हैदराबाद का बच्चा है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हुआ था, तो 16 करोड़ रुपया जो है लगा है, लेकिन खुशी का बात है कि इन्होंने जो है क्राउड फंडिंग किया, लोगों से बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिला और इनका बच्चा को ये इंजेक्शन दिया गया है, अब इनका हालत ठीक है। धन्यवाद।